नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। उपायुक्त सुजान सिंह ने शाह अस्पताल द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी के लिए दिए गए योगदान में सभी चिकित्सकों व समाज सेवियों का भी आभार प्रकट किया। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में चिकित्सकों व समाज सेवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर आदि के साथ साथ सरकार के साथ तथा प्राइवेट चिकित्सक संस्थाओं ने वितरित किए हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि इस कोविड केयर सेंटर में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों को अपने नज़दीक मिल पाएंगी। जो लोग संपन्न हैं और इस बीमारी की चपेट में आते हैं और वह अपना इलाज इस सेंटर में आधुनिक सुविधाओं के साथ करवा सकते हैं, उनका लाभ क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में चिकित्सा सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले और 40 वर्षों से सदैव लोगों की सेवा में तत्पर शाह अस्पताल द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों की सेवा हेतु डेडिकेट कोरोना सेंटर केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। इस कोरोना केयर सेंटर में 24 घंटे चिकित्सक व नर्स उपलब्ध रहेंगे। 25 बेड के आइसोलेशन वार्ड में और 24 बेड आईसीयू के तैयार किए गए हैं। इस सेंटर में इलाज करवाने के लिए अपनी मर्जी से आइसोलेशन वार्ड और व्यक्तिगत रूम का भी चयन कर सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू में और उसी रूम में क्रॉस संक्रमण से रोकने के लिए नकारात्मक दबाव के प्रावधान भी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक बिस्तर में व्यक्तिगत रोगी महत्वपूर्ण निगरानी के साथ ऑक्सीजन की भी समुचित व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। तो जो है बड़ी महामारी से जो है वो याद के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है खुला है, तो क्या बात है कि इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल, आप सभी को ये जानकारी है कि हमारे पेशेंट यहाँ से मेडिकल कॉलेज अग्रोहा जाते थे और लोगों की बहुत समय से ये मांग थी जो उनके नज़दीक अगर कोई ऐसा डेडिकेटेड कोविड सेंटर हॉस्पिटल्स उनको मिल जाए जहां पर उसको वेंटिलेटर्स की सुविधाएं उपलब्ध हों, एक आइसोलेशन वार्ड्स की सुविधाएं उपलब्ध हो, तो ये बहुत समय से लंबित मांग थी जो आज डॉक्टर साहब ने इस हॉस्पिटल में लोगों को उपलब्ध कराई है। अभी 18 बेड्स उन्होंने डेडिकेटेड उसके लिए रखे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित फी है उसके आधार पर लोगों की इच्छा अनुसार इसमें उनका एडमिशन दाखिला किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से शाह हॉस्पिटल का नाम है उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और लोगों को इस महामारी से जूझने में, उससे लड़ने में, उससे पार पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो क्या पेशेंट को जो है पूरी तरह की सुविधाएँ संपन्न है पूरा हॉस्पिटल में? पूरी मैंने इसका निरीक्षण किया है, तो इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी सुविधाएँ पेशेंट्स को चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आइसोलेशन वार्ड है उसका अलग से ही उन्होंने रखा, जिसमें सिर्फ नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स ही रहेंगे, तो इसलिए दूसरे जो पेशेंट्स ऊपर हैं उनसे भी कोई इनका आपस में तालमेल नहीं रहेगा, कोई सामाजिक दूरी का जो नियम है वो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए हम ये सभी ये सोच सकते हैं कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी और उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। सर, तो जिस तरह पहले खानपुर या अग्रोहा भेजा जाता था, सुविधाएं जो कैथल में रहेगी, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? एक तो कोरोना जिस तरह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो लोगों से क्या होगा? कोरोना की जो आपने कहा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसमें एक आपको सही बात मतलब अच्छी बात मैं बता सकता हूँ। पिछले 5-7 दिनों से अगर आप देखें तो सैंपलिंग तो हमारी नंबर ऑफ सैंपलिंग बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस कम आने शुरू हुए पिछले 4 दिनों से। पिछले 20 दिनों में बहुत ज़्यादा ग्राफ था। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे देश पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना नाम की महामारी बड़े काफ़ी सारा दुनिया से परेशान है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, इससे अपना देश भी अछूता नहीं रहा। और इसी की चलते कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोरोना के केसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले कई महीनों से हम लोग ये देख रहे थे कि कैथल के अंदर सिवाय सरकारी अस्पताल के और कहीं पे भी कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग जो संपन्न लोग हैं, जो समर्थ हैं पे करने में, वो यहाँ से बाहर चले जाते थे, लेकिन बाहर भी कभी किसी को बेड नहीं मिलता या कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो बेचारे वहाँ परेशान होकर वापस आते थे। इस दौरान कई लोग सीरियस भी होते थे और मृत्यु भी हो जाती थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने
हमारे सामाजिक दायित्व को निभाते हुए हमने ये सोचा कि कोरोना कैथल के अंदर भी एक कोरोना सेंटर की शुरुआत की जाए। तो प्रशासन की मदद से हमने यहाँ पे होटल को अक्वायर करके डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर हैंडल किया। ये शासन द्वारा संचालित है और उसी की ही मान्यता से सेंटर है। इस डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर के अंदर 45 कोविड पेशेंट के लिए बेड हैं। इसके अंदर 18 ICU बेड हैं जो पूरी तरह से वेंटिलेटर, मॉनिटर, सेंट्रल ऑक्सीजन और जो बाकी सुविधा चाहिए होती है ICU के अंदर पूरी तरह से उनके साथ वो हैं। और किस्म के जो पेशेंट हैं उनको लेने के अंदर समर्थ है। इसके साथ ही 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है और 10 ही प्राइवेट बेड जो है वो अलग से हमने किए हैं। जो प्राइवेट रूम है वो अलग से हमने डाल दिए हैं, तो जिससे कैथल वासियों को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपने शहर में ही हर तरह की सुविधा वो उपलब्ध कर दे सकते हैं। उसके बाद आपका नोटिफाइड थे कि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर उनके पास बेड की शॉर्टेज हो जाती है सरकारी अस्पताल, तो उनके पास बेड अवेलेबल नहीं होते, तो उस हालात के अंदर हमारे हॉस्पिटल के अंदर नॉमिनेट किया था कि ये हम बेड अवेल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि हम लोग अगर इतना ओवरफ्लो हो जाता है तो हमें उनको एज पर ला प्रोवाइड करना होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक तरह से अलग से प्राइवेट फैसिलिटी है, तो जो सिर्फ प्राइवेट जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। उनके रेट्स जो एज गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखी है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए उसी रेट के हिसाब से उनको पे किया। और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसके साथ इस फैसिलिटी के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर सिवाय कोविड के और कोई पेशेंट एडमिट नहीं होगा। और हमारे जो मेन हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई कोविड का पेशेंट एडमिट नहीं होगा, तो ये उनसे बिल्कुल अलग हटके और इससे इनका कोई आप में जो सोशल डिस्टेंसिंग या क्रॉस इन्फेक्शन पेशेंट टू पेशेंट होने का चांस नहीं होता। मॉनिटर भी हैं और डेडिकेटेड टीम है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी?